ग्वादर बंदरगाह को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने का प्लान। रेकोडेको ग्वादर बंदरगाह तक रेल रोड नेटवर्क के जरिए रसाई दी जाएगी। वजीर आजम ने हिकमत अमली बनाने की हिदायत कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत इजलास। वजीर आजम का कहना था, बलोचिस्तान में मातनियात से भरपूर फायदा उठाने के लिए मवासलात का इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर किया जाएगा। नई रेलवे लाइन से मातनियात से भरपूर जिला चाकी मुस्तफीद हो सकेगा और कानकुनी सनत को फरोग मिलेगा। ब्रीफिंग में बताया गया, रेकोडेक मंसूबे की फिजिबिलिटी इस साल सितंबर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। वजीर आला मरियम नवाज पंजाब को पुर अमन बनाने के लिए मुतहरिक। जराइम पर डेली अपडेट रिपोर्ट तलब। धाती तार बनाने बेचने और खरीदने पर क्रैकडाउन का हुक्म। वजीर आला मरियम नवाज का इजलास से खिताब में कहना था, ज्यादती के वाकयात में कमी आनी चाहिए। रेप के केस में मुलजिम को सजा देकर निशाने इबरत बनाया जाए। पंजाब में कहीं नो गो एरिया बनाने की इजाजत नहीं देंगे। तालीमी इदारों में मनशियात की ऑनलाइन तरसील रोकने का निज़ाम बनाया जाए। बड़े मनशियात फरोशों के खिलाफ ठोस सबूत के साथ केस बनाए जाएं। वजीर आला ने हुकाम से सवाल किया, क्या बच्चों मुलाजमीन और घरेलू तशद्दुद के वाकयात क्यों नहीं रुक रहे। अमाद वसीम के बाद फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस ले ली। कहते हैं, अभी भी पाकिस्तान के लिए खेलने का ख्वाब मौजूद है। जिंदगी में मौके आते हैं जब अपने फैसलों पर नजरसानी करना पड़ती है। पीसीबी के साथ बात करने के बाद रिटायरमेंट वापस लेने का फैसला किया। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की सिलेक्शन के लिए दस्तयाब होगा।